आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसका नाम है फ्रीडा और फ्रीडा कोहलो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट के लाइफ पर ये मूवी बेस्ड है। ये मूवी उसके कंट्रोवर्शियल लाइफ पर बायोग्राफी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रीडा, इसे हम बेड पर देख सकते हैं। बेड पर ही वो अपने एग्जीबिशन को देखने के लिए जा रही थी। इसका रीजन क्या है मूवी में आगे हमें पता चलेगा। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जब फ्रीडा यंग थी तब से स्टार्ट होती है। फ्रीडा अपने फ्रेंड्स को लेकर डियागो की पेंटिंग देखने के लिए जा रही थी। डियागो उनकी यूनिवर्सिटी में न्यूड पेंटिंग बना रहा था तो यही वो देखने के लिए आया। डियागो हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। पेंटिंग बनाते बनाते डियागो की वाइफ भी वहां आई। वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि डियागो का इस मॉडल के साथ भी चक्कर है। और एक्चुअल में सिचुएशन ऐसे ही थी, वाइफ के जाने के बाद उस मॉडल के साथ वो इंटीमेट होने लगता है। फ्रीडा और उसके फ्रेंड से देख रहे थे तो उसे आवाज लगा कर डिस्टर्ब करते है। ये उन पर चिल्लाया और ये सब भाग गए। इसके बाद फ्रीडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुद के ही घर में इंटीमेट हो रही थी। उसके सिस्टर टीना की शादी है तो आसपास सारी तैयारियां चल रही थी, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। नेक्स्ट सीन में वो उसके फादर के साथ दिखती है। उसके फादर एक बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफर थे। उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था तो फ्रीडा को एक बेटे की तरह ही वो ट्रीट करते थे। वो एक फैमिली पिक्चर ले रहे थे, उसमें भी फ्रीडा एक लड़के की तरह ही ड्रेसअप हुई थी। एक दिन जब फ्रीडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थी, अचानक से गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसे बहुत चोट आई थी, उस पर बहुत सारे ऑपरेशन हुए। डॉक्टर उसकी फैमिली से कहते हैं फ्रीडा अब चल नहीं पाएगी। वो जब थोड़े दिन बाद रिकवर हुई तो उसे घर लाया जाता है। उसकी पूरी बॉडी पर प्लास्टर था। उसके फादर ने ठान लिया था फ्रीडा को फिर से वो अच्छा कर ही रहेंगे, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए। इसमें उनके सब पैसे चले गए थे। फ्रीडा हमेशा बेड पर ही होती है, वो बाकी कुछ कर नहीं पाती तो ड्रॉइंग करना वो स्टार्ट कर देती है। एक दिन उसे उसका बॉयफ्रेंड मिलने के लिए आया। उसे देखकर बहुत ही खुश थी। इन्होंने कुछ बातें की, फिर बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे अलग कंट्री में जाना पड़ेगा। फ्रीडा भी हंसी खुशी उसे जाने देती है। उसे बहुत बुरा लगा था। बॉयफ्रेंड के जाने के बाद वो बहुत रोई। फ्रीडा के फादर उसके पास आते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था। एक दिन फ्रीडा उनसे कहती है कि आप हमेशा मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, तुम्हारे लाइफ में प्लान क्या है, आजकल आप वैसा कुछ भी नहीं पूछते। फादर ने पूछा तो कहती है मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है, फिर से नॉर्मल बनना है। आज फादर ने कैनवास और उसका स्टैंड फ्रीडा के लिए बनवा दिया था, यानी कि वो अपने बेड में अच्छी सी पेंटिंग कर सके। फ्रीडा प्रैक्टिस करती गई और टाइम गुजरता गया। उसकी हेल्थ स्लोली स्लोली इम्प्रूव हुई और एक दिन अपने पैरों पर वो खड़ी हो जाती है। उसकी फैमिली ये देखकर बहुत खुश थी। थोड़े दिनों में उसे केन से चलना आने लग गया। वो फिर डायरेक्टली डियागो के पास पहुंचती है। वही पेंटर है जिसे हमने उसकी वाइफ पर चीट करते हुए उसे देखा था। उसे नीचे बुलाकर पूछती है मेरी पेंटिंग देखो, मुझे बताओ क्या मैं इसे अर्न कर सकती हूँ, क्या मैं एक अच्छी पेंटर हूँ। डियागो कहता है जो रियल पेंटर होता है वो पेंटिंग को छोड़कर और कुछ कर नहीं पाता, अगर तुम्हें एक्चुअल में पेंटिंग अच्छी लगती है तो तुम आर्टिस्ट बन जाओगे। फ्रीडा कहती है मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वो इन पेंटिंग को सेल कर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है। डियागो ने उसे उसकी पेंटिंग रखने के लिए कही। बाद में इसे उसने नोटिस किया तो उसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। फ्रीडा के घर पर आकर उसकी और भी पेंटिंग्स देखता है। डियागो एक्चुअल में एक प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है। उसके कांटेक्ट में जो भी लड़की आती है तो उसके साथ वो इंटीमेट होता है। फ्रीडा को डाउट आता है कि वो सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तारीफ कर रहा है। इसके बारे में उसे पूछती है तो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पेंटिंग्स उसे सचमुच में अच्छी लगी है। इसके बाद डियागो फ्रीडा को एक पार्टी में लेकर गया जहाँ पर सब इन्फ्लुएंशियल लोग और आर्टिस्ट थे। यहाँ पर फ्रीडा डियागो की एक्स वाइफ से मिली। डियागो कुछ और लड़कियों के साथ था तो फ्रीडा और डियागो की एक्स वाइफ ये दोनों बातें करते हैं। फ्रीडा वंडर कर रही थी कि डियागो इतनी सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कैसे करता है, वो दिखने में भी इतना खास नहीं है। डियागो की एक्स वाइफ कहती है कि वो हर लड़की में ब्यूटी ढूंढता है, उन्हें ब्यूटीफुल नजरों से देखता है, इसी वजह से हर लड़की उसकी पागल हो जाती है। ये मूवी का जो हमारा टाइम पीरियड है 1907 से लेकर 1954 तक का है। तब इटली में जो भी रिवॉल्यूशन चल रही थी, इसलिए कर डियागो और उसका पार्टी में का एक फ्रेंड इनमें डिबेट होती है। ये दोनों फिर एक ड्रिंकिंग गेम खेलने लग जाते हैं। गेम चलते चलते फ्रीडा ने बॉटल उठाई और पूरी वो कटक गई। इसके बाद म्यूजिक चलता है और वहां के होस्ट के साथ वो डांस करती है। एट द एंड ऑफ इट उसने उसे किस भी कर लिया था। कुछ दिनों में फ्रीडा और डियागो ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। एक दिन एक साथ थे तो डियागो उसे अपने स्टूडियो में बुलाता है।
फ्रीडा कहती कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, मुझे हमारी रिलेशनशिप सिर्फ प्रोफेशनल रखनी है, उसे इसे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। डियागो ने भी उसे प्रॉमिस किया, कहा कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। ये बात बोलने के बाद ही एक दूसरे को किस कर लेते हैं, अंदर जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो गए। इनका यह अफेयर बहुत दिनों तक चला, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। एक दिन डियागो ने फ्रीडा से शादी के लिए पूछ लिया। फ्रीडा उस पर बिलीव नहीं करती, कहती है तुम्हारे ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी है, तुम मुझसे भी फेथफुल नहीं रह सकते। डियागो भी ये बात मान लेता है, शादी होने के बाद भी वो कंटिन्यूसली चीट करता रहेगा। डियागो ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे लिए ये बात इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फ्रीडा कहती कि नहीं, सिर्फ मुझसे लॉयल रहना। उसने उसे हाँ कह दिया, इन दोनों की शादी हो जाती है। फ्रीडा की मदर इस बात से नाराज थी, उसे डियागो उसके लिए अच्छा नहीं लगता। जैसे कि हमें पता है, फ्रीडा का इलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे। इनके लोन्स वगैरह पे करने में भी डियागो उन्हें हेल्प करता है। मैरिज की पार्टी में डियागो की फ्रेंड ने टोस्ट किया, वो कहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है, इन्हें पता ही नहीं एक दूसरे से कितना झगड़ने वाले हैं, एक दूसरे की लाइफें बर्बाद कर देंगे। इन सब चीजों के बाद भी सब चीजें इग्नोर कर एक कपल अगर साथ रहे तो इसे सही मैरिज कहा जाता है। वो डियागो और फ्रीडा को करेज दिखाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। डियागो की एक्स वाइफ बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई, वो गुस्से में उससे कहती है तुमने इससे शादी की। फ्रीडा के एक्सीडेंट की वजह से वो सही से चल नहीं पाती, उसका बॉडी शेप भी थोड़ा सा अलग हो चुका है। डियागो की एक्स वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा कर वहां से चली गई। ये सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था, तो इस पर फ्रीडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसे मनाने के लिए आता है। फ्रीडा कहती है मेरी मदर कहती है कि तुम एक हाथी की तरह हो, पर इलिफेंट भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, तुम तो वो भी नहीं करते। फ्रीडा ब्यूटीफुल और डियागो इतना ज्यादा फैट है, तो ये जोड़ी सही नहीं लगती। फ्रीडा ने कहा कि लोग क्या कहेंगे। डियागो कहता है हम दोनों की जोड़ी पर सब लोग जेलस होंगे, इतना हम एक दूसरे से प्यार करेंगे। सुबह होने पर डियागो अपनी फेवरेट डिश का ब्रेकफास्ट कर रहा था। फ्रीडा पूछती है कि ये किसने बनाया। डियागो कहता है मेरी एक्स वाइफ मेरे बच्चों के साथ ऊपर ही रहती है, वो मुझे देखकर गई थी। फ्रीडा इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, ऊपर जाकर उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है हमारा मैरिज टिक नहीं पाएगा, मैं इसे सक्सेसफुल कर दिखाऊंगी, कभी भी मेरे घर कुछ भी बना कर मत भेजना। एक्स वाइफ कहती है कि अगर तुम्हें टिकना है तुम्हें उसकी फेवरेट डिश आनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स हो गए। एक्स वाइफ फ्रीडा को जो डियागो को डिशेज पसंद है ये बनाना सिखाती है। एक्स वाइफ ने कहा कि डियागो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, कभी भी वो किसी का भी अच्छा हस्बैंड हो नहीं सकता। फ्रीडा कहती है कि मैं देख लूंगी। एक दिन फ्रीडा डियागो के स्टूडियो में आई तो एक न्यूड मॉडल को ड्रॉ कर रहा था। फ्रीडा को इस बात से ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इन दोनों का आज बाहर जाने का प्लान था। डियागो घर पर जरा लेट पहुंचा, वो कुछ बहाना बना रहा था, पर फ्रीडा ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया डियागो उस मॉडल के साथ इंटीमेट हुआ था। वो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, पर उसे चेंज नहीं कर सकते। उसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से नहा कर आओ, इस पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई थी। एक आदमी डियागो के साथ लड़ने लग गया था तो फ्रीडा खुद उसे बहुत मारती है। डियागो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था, पर जो अमीर लोग हैं उनके लिए वो पेंटिंग बनाता है। आज डियागो को ऑफर मिला है, अमेरिका में उसका पेंटिंग का एग्जीबिशन होगा, वहां पर उसे बहुत सारा काम मिल सकता है, इसी वजह से उसने अपनी पार्टी क्विट कर दी। ये सब बात वो फ्रीडा को बताता है। फ्रीडा को बुरा लगा, डियागो अब उसे दूर जाएगा, पर डियागो कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना है। ये बात सुनकर फ्रीडा बहुत ही खुश थी। डियागो को अमेरिका में बहुत सारा फेम मिला। फ्रीडा कहती है कि जिस आदमी का एम्बिशन होता है उसे अमेरिका में रिस्पेक्ट दिया जाता है। डियागो यहाँ पर बहुत ही खुश था, फेमस था और बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था। फ्रीडा एक बायसेक्सुअल थी, लड़कियों के साथ भी इंटीमेट होती थी। अब डियागो उस पर चीट करता ही है तो वो भी लड़कियों के साथ सोती है। वो एक लड़की के साथ इंटीमेट हुई जो ऑलरेडी डियागो के साथ इंटीमेट हुई थी। ये दोनों बात करते हैं तो लड़की फ्रीडा से पूछती है तुम डियागो का इस तरह से बिहेवियर किस तरह से एक्सेप्ट करती हो। फ्रीडा कहती है कि वो जो है वो है, जब मैंने शादी की थी तो मुझे सब कुछ पता था, अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकती। डियागो के साथ फ्रीडा भी पेंटिंग करती रहती थी। एक दिन जब ये दोनों एक साथ थे, फ्रीडा ने डियागो से कहा कि वो प्रेग्नेंट है। डियागो वरीड था, फ्रीडा का बोन स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, उसे पूरी बॉडी में पेन होता है। ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी और बच्चे की दोनों की लाइफ को खतरा है। डियागो बच्चे के लिए मना कर रहा था। फ्रीडा बहुत ही एक्साइटेड थी, उसे बच्चा चाहिए था। डिलीवरी सक्सेसफुल होगी इसके चांसेस बहुत ही कम थे,
और फ्रीडा की खुशी के लिए डियागो इस बात के लिए मान जाता है। कुछ मंथ्स बीत गए और अचानक एक रात फ्रीडा को बहुत सारा ब्लीडिंग होने लग गया। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उसका मिस कैरेज हो गया था। वो होश में आने के बाद जब उसे न्यूज मिली तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। उसके डेड बेबी को देखना चाहती थी। इन्हीं सब इमोशंस को लेकर उसने एक हार्ट ब्रेकिंग पेंटिंग बनाई। डियागो ये देखकर बहुत रोता है। वो फ्रीडा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एक दिन फ्रीडा को लेटर मिला तो उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपनी मदर को देखने के लिए आए तो अपने बेड में थी। उसकी डेथ अब कभी भी हो सकती थी। यहाँ पर बहुत सालों बाद वो अपनी सिस्टर से मिलती है। सिस्टर का अब डिवोर्स हो चुका था। उसका हस्बैंड उसे बहुत मारा करता था। फ्रीडा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए उसे यही होना चाहिए था। फ्रीडा के फादर भी बहुत ज्यादा दुखी थे। फ्रीडा उन्हें सहारा देती है। फादर कहते हैं, मैं तुम्हारी मदर के साथ हमेशा झगड़ा करता था। अब जब वो बीमार है तो उसके गार्डन का मैं ख्याल रख रहा हूँ। वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते हैं। इसके बाद ही फ्रीडा की मदर की डेथ हो गई। अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था। वॉल पर पेंटिंग करने का एक काम था तो उस पर वो वर्क अपना स्टार्ट करता है। डियागो के एक वर्कर ने इस वॉल पर लेनिन का पिक्चर बना दिया था। ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गई। जिसकी वॉल थी उसने डियागो को बुलाया। वो कहता है कि तुम्हें वो पिक्चर निकालना पड़ेगा। डियागो ने कहा कि मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। ओनर कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। डियागो अब भी इस बात पर सोच सकता है। जब फ्रीडा मेक्सिको से फिर से यूएसए आई तो इस बात को लेकर ही बात करते हैं। डियागो अपने आप को डाउट कर रहा था। उसे यही रहना है, यहाँ की लाइफस्टाइल पसंद है। तो वंडर करता है उसे अपनी पेंटिंग को मिटा देना चाहिए। फ्रीडा कहती है, तुम जो भी करोगे वो सही करोगे। अब तक तुमने जो किया इससे कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हो गई। लोग हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे। डियागो ने डिसाइड किया कि अपनी पेंटिंग नहीं मिटाएगा। ओनर ने फिर जबरदस्ती वॉल तोड़ दी। ये सब चीजें डियागो को इल्लीगल लगी। वो अमेरिका में ही रहकर इन सब चीजों को फाइट करने वाला था। फ्रीडा इन सब बातों से तंग आ गई थी। उसे फिर से अपनी कंट्री में वापस जाना है। इस बात को लेकर इनमें फाइट हुई और ये फिर से मैक्सिको में आ गए। फ्रीडा के घर उसे मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई। वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं है तो बहुत ही अकेला महसूस करती है। कभी कभी उसे लगता है कि उसके हस्बैंड के पास वापस चली जाए। फ्रीडा कहती है, अगर तुम्हें कुछ काम होगा तो ये सब चीजें याद नहीं आएंगी, तुम जरा बिजी रहोगी। सिस्टर को भी ये बात सही लगी। डियागो आजकल कुछ भी पेंट कर नहीं रहा था। उसका पूरा स्टूडियो तहस नहस पड़ा हुआ था। फ्रीडा फिर अपनी सिस्टर को इसी स्टूडियो को ठीक करने का काम देती है। एक रात जब वो इस स्टूडियो में आई तो डियागो फ्रीडा की सिस्टर के साथ ही इंटीमेट हो रहा था। इस पर वो बहुत गुस्सा हुई। अब वो डियागो के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। रात में डियागो उसे समझाने के लिए आता है। कहता है, इस सब बातों को कोई भी मीनिंग नहीं था, मैं प्यार तो तुमसे ही करता हूँ। फ्रीडा कहती कि वो मेरी सिस्टर थी, मैंने तुम्हें सिर्फ लॉयल रहने के लिए कहा था। उसने कहा, मेरे लाइफ में दो एक्सीडेंट हुए हैं, एक कार एक्सीडेंट और तुमसे शादी करना। अब फ्रीडा घर छोड़कर एक दूसरी जगह पर रह रही थी। उसने अपना पूरा हुलिया ही चेंज कर डाला। वो ड्रंक हो जाती थी, फ्रेंड्स को बुलाकर घर में दिन रात पार्टी करती थी। एक दिन डियागो की एक्स वाइफ उसे मिलने के लिए आई। उसकी ऐसा सब हालत देखकर कहती है, तुम्हें कुछ जॉब ले लेना चाहिए, यानी तुम अपने बिल्स पे कर सको, अपनी लाइफ को जरा कंट्रोल में ले सको। फ्रीडा ने भी यही किया, अपनी कुछ पेंटिंग सेल करती और प्रोफेशनली पेंट करने लग गए। एक दिन डियागो फ्रीडा से हेल्प मांगने के लिए आया। डियागो का एक फ्रेंड है जिसका नाम है ट्रॉस्की। इटली में जो भी चल रहा है इसके खिलाफ वो रिवॉल्यूशन करता है। ट्रॉस्की को अपनी जान का खतरा है। डियागो चाहता था कि फ्रीडा ट्रॉस्की को उसके घर में रखे जहाँ वो सेफ रहेगा। फ्रीडा डियागो पर गुस्सा थी पर उसने उसे बहुत रिक्वेस्ट की तो मान जाती है। ट्रॉस्की फ्रीडा के घर पर आया। उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लोग फ्रीडा के घर को प्रोटेक्ट करते थे। एक रात ये सब मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद डियागो फ्रीडा के साथ उसके रूम में जाना चाहता था। फ्रीडा ने इसके लिए उसे मना कर दिया। उसने अब तक उसे माफ नहीं किया। ट्रॉस्की ने फ्रीडा की जब पेंटिंग्स देखी तो उसे बहुत अच्छी लगी। फ्रीडा को खुद के काम पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो इसी वजह से वो एग्जीबिशन या अपनी पेंटिंग ज्यादा सेल नहीं करती थी। एक दिन ट्रॉस्की और फ्रीडा ये सब मिलकर पिरामिड देखने के लिए आए। ट्रॉस्की जरा ओल्ड है पर फिर भी ये पिरामिड चढ़ना चाहता था। फ्रीडा भी डिसाइड करती है, जो सही से चल नहीं पाती है पर फिर भी ये पिरामिड चढ़ेगी। ट्रॉस्की फ्रीडा से कहता है, मेरे दोनों बेटों को मार दिया गया, मैं जो ये जंग लड़ रहा हूँ मुझे पता है कि मैं इसमें हारने वाला हूँ, पर फिर भी लड़ने के अलावा और क्या किया जाए मुझे पता नहीं। उसने फ्रीडा को समझाया, तुम्हारी जो पेंटिंग्स है इसमें यही पेन निकल कर आता है। तुम्हें लगता है तुम्हारी पेंटिंग लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, पर जो पेन तुम्हारी पेंटिंग्स में है
यही पेन बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है। इसके बाद जब ये दोनों घर पर आए तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। पेट्रोस्की की वाइफ को ये सब बात पता चल गई। वो अपनी वाइफ को ज्यादा हर्ट करना नहीं चाहता था तो वहां से वो चला गया। डियागो फ्रीडा से पूछता है ऐसा हुआ क्या। फ्रीडा कहती है उसने अपनी वाइफ के लिए अपनी खुद की खुशी सैक्रिफाइस कर दी। डियागो को सब कुछ पता चला तो फ्रीडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। फ्रीडा कहती है जैसा तुम्हें अब लग रहा है वैसा मुझे हमेशा लगता था। इसके बाद फ्रीडा को ऑफर मिला और फ्रांस में उसकी पेंटिंग का एग्जीबिशन होने वाला था तो वो भी वहां चली जाती है। वहां जाकर बहुत मजे करती है। अब फ्रीडा को डियागो से मिले हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ डियागो से ही प्यार करती है। ये चीज उसने लेटर में भी लिखी। थोड़े समय बाद जब ये दोनों मिले तो डियागो से कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए, हम दोनों के लिए यही करना सही होगा। फ्रीडा कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर डियागो मानता नहीं। डियागो एक कम्युनिस्ट था तो गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर उसने कुछ गलत चीजें की थी। वो इस कंट्री से भाग चुका था तो फ्रीडा से क्वेश्चन किए जाते हैं। फ्रीडा कहती है कि वो मेरा अब हस्बैंड नहीं रहा। फ्रीडा ज्यादा ट्रबल में ना आए यही रीजन था कि डियागो से डिवोर्स लेना चाहता था। डिवोर्स हो जाने के बावजूद भी फ्रीडा को जेल में डाल दिया जाता है। डियागो को ये बात जब पता चली तो उसने गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। फाइनली उन्हें फ्रीडा को फ्री करना ही पड़ता है। फ्रीडा को जेल में रहने के लिए उसकी सिस्टर आई हुई थी, उसे सॉरी कहती है। फ्रीडा कहती है सब कुछ गलती मेरी ही थी, मुझे तुम्हें उसके पास भेजना ही नहीं चाहिए था। अपनी सिस्टर के साथ उसकी रिलेशनशिप अब सही हो चुकी है। जैसे ही फ्रीडा की थोड़ी सी एज बढ़ी तो अपनी बॉडी में उसे बहुत ज्यादा पेन होता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जेल में रहने की वजह से उसकी पैर की उंगलियां खराब हो गई थी, डॉक्टर्स को वो काटनी पड़ी। फ्रीडा की हालत के बारे में डियागो को पता चला तो उसके पास पहुंच गया। वो कहता है कि प्लीज फिर से मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फ्रीडा कहती कि मुझे तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं है, मैं ड्रिंक करती हूँ, स्वेयर करती हूँ, तुम मेरे साथ खुश रह नहीं सकते। डियागो ने कहा कि तुम्हारे बिना मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। फ्रीडा अब उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फ्रीडा की हालत खराब होती गई और सिर्फ अपने बेड में रहती थी। उसका हमेशा से सपना था खुद की कंट्री में उसका एग्जीबिशन हो। अब ये सपना उसका फाइनली कंप्लीट होने वाला है। ये एग्जीबिशन देखने के लिए वो जाना चाहती थी पर डॉक्टर ने उसे मना किया था। वो अपने बेड से उठ भी नहीं सकती। उसने फिर कुछ लोगों की हेल्प ली और पूरे बेड के साथ एग्जीबिशन में पहुंच जाती है। मूवी के फर्स्ट में हमने जो सीन दिखा था ये वही सीन था। एक रात फ्रीडा और डियागो एक दूसरे के साथ थे। डियागो कहता है हमें एक साथ 25 साल हो चुके हैं। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी 2 वीक्स में थी। उससे पहले ही फ्रीडा ने उसे गिफ्ट दे दिया। उसे नहीं लगता था कि वो अब 2 वीक्स भी जिंदा रहेगी। उसने कहा मुझे जमीन में मत गाड़ना, मुझे जला देना। वो फिर से एक ही जगह पर नहीं लेटना चाहती, इसलिए जलना चाहती है। इस सिचुएशन की भी उसने पेंटिंग बनाई थी। इसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप थी पर हमेशा अपना जो भी पेन था वो अपने काम में अपनी पेंटिंग में वो डालती रही और इसी वजह से उसकी पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।